जय हिंद। मैं सस्सी कुमार पटेल आप सभी को पुनः पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम लोग स्पोकन की सीरीज को देख रहे हैं और बारीकी से देखना, एक एक चीज़ों को देखना फिर सीख जाओगे। ठीक है, कुछ ये आपको 10 क्लासेस तक मिलेंगे फिर उसके बाद सोचा जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अभी 10 क्लासेस में सीखने की पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर बने होंगे, चारों बगल से सारे चीज के स्ट्रक्चर दिए होंगे, एक जगह पर बॉय होगा। ठीक है, अब उस बॉय के जगह पे मैं बहुत सारे वर्डों को पुट करूंगा, आपको वैसा एक्टिविटी करना है। और मैं एक छोटा सा बुक उठाता हूँ, कुछ नहीं है साथ, पढ़े हो गए सबके बुक, ग्रामर का बुक है, कोई ऐसा चीज नहीं है। नहीं सोचना कि स्पोकन की बुक लेकर के देखो यहाँ पे ग्रामर बढ़िया तरीके से लिख। ठीक है, ऐसे ही बस वर्ड के लिए आपके रखा। चलो जैसे देख लो आ जाओ, अब जैसे मैं बॉय की जगह पे देखो क्या करूँगा, पहले बॉय वाला समझ लो कैसे कैसे स्पोकन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो मैं इधर से आऊंगा, जैसा दूंगा मैं बोलूंगा आई एम बॉय, ही इज बॉय, सी इज बॉय, वी आर बॉय, वी आर बॉयज। जब हम लोग वी के बात करते तो वहाँ पर जो नाउन होगा प्योर फॉर्म होगा, यू आर बॉयज, वी आर बॉयज, ओके, राम इज बॉयज, शशि इज बॉयज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक एक वर्ड से अब बहुत सारा बॉयज के बना दिए। अब देखो बॉयज की जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, बॉयज की जगह पर देख लो क्या कर सकते हो, लगा लो स्टूडेंट, एक वर्ड लगा दो स्टूडेंट, अब इसको घेर दो, अब बनाओ इसको। ठीक है, अब कैसे करोगे, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, हे इज स्टूडेंट, ओके, वी आर ए स्टूडेंट, हाँ वी आर ए स्टूडेंट, हे इज ए स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, मोहन इज ए स्टूडेंट, गीता इज ए स्टूडेंट, लता इज ए स्टूडेंट, जितने विद्यार्थी देख रहे होते सब कोई स्टूडेंट ही तो हो, बताओ मुझे, हाँ मोहन इज ए स्टूडेंट, करीम इज ए स्टूडेंट, हो सकता है ना। आप एक स्टूडेंट के यूज करके सात तो ये हो गए, आई ही एनी नाउन में ले लो, फिर आई, ये तो सात हो गई ये, और बाकी देखो दिस इज ए स्टूडेंट, दैट दैट इज ए स्टूडेंट, दीज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट, तो चार ये हो गए, कितने हो गए, सात, चार, ग्यारह। यानी कि एक वर्ड का यूज करके आप 11 सेंटेंस का निर्माण करते हो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में। अभी निगेटिव सोचो, 11 ये हो गए, कितने सारे स्पोकन 11 ये होगा, अब सबकी इनकी नेगेटिव करोगे 11 फिर वो हो जाएंगे, फिर इनकी क्या करोगे इंट्रोगेटिव करोगे, फिर 11 ये हो जाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करोगे 11 हो जाएंगे, फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन करोगे वो 11 हो जाएंगे, डब्ल्यू एच नेगेटिव करोगे 11, यानी कि 2, 4, 6, यानी कि 66 सेंटेंस इससे सिर्फ बना सकते हो, जो कितने सारे। अब मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना 66 सेंटेंस कैसे बनेंगे, मेरे साथ बने रहो, देखो ये टेक्निक अगर सीख गए साथियों ना, गारंटी दे के कह सकता हूँ तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकते इंग्लिश सीखने से। ये ट्रिक सीखो पहले, ये कंसेप्ट सीखो, मतलब ये जो हमने ऑफलाइन में जो ये मतलब तरीका अपनाया था बच्चों को सिखाने का, वो चीज़ें मतलब जैसे देखो, पहले हम लोग अफर्मेटिव में चलेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे अफर्मेटिव का हम लोग करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ें समझना। ठीक है, 11 इसके बताऊँगा, जैसे देखो आई एम अ बॉय, यू आर अ बॉय, ठीक है, यहाँ सब आई एम अ बॉय, यू आर अ बॉय, सी इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वी आर बॉय, वी आर बॉयज, हाँ दे आर अ बॉयज, ओके दे हो गया ना, फिर उसके बाद हो 6 हो गया, और राम इज अ बॉय नाउन ले लो, ठीक है 7 हो गए। अब आ जाओ दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, 11 ये होगा। ठीक है, आपका अफर्मेटिव का कंप्लीट, अफर्मेटिव कंप्लीट होगा, फिर से सुन लो, बॉयज हटा दो, बॉयज की जगह स्टूडेंट ले लो, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, ओके दीज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट, दिस इज स्टूडेंट, दोज आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, सी इज स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, राम इज स्टूडेंट, ओके 11 ये होगा सिंपल फॉर्म में। आ जाओ अब इसके नेगेटिव आ जाते हैं, मैं 66 बता रहा हूँ ना, एक कॉन्सेप्ट सीखो, आपको वैसे नहीं बोलना, मैं एक बार इसको फिर प्रैक्टिस करूंगा एक में से एक एक लेकर। ठीक है, अब नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव में कैसे देखो कॉन्सेप्ट समझो, नेगेटिव में कैसे, ही इज नॉट ए स्टूडेंट, ही इज नॉट ए स्टूडेंट, हाँ सीता इज नॉट ए स्टूडेंट, हाँ यू आर नॉट ए स्टूडेंट, ओके यू आर नॉट ए स्टूडेंट, दे आर नॉट ए स्टूडेंट्स, ओके फिर कर सकते हो वी आर नॉट ए स्टूडेंट्स, ओके फिर कर सकते हो राम इज नॉट स्टूडेंट्स, ये साथ होगा। ठीक है, अब उधर दिस इज नॉट ए स्टूडेंट, दैट इज नॉट ए स्टूडेंट, ओके दीज आर नॉट स्टूडेंट्स, ओके दोज आर नॉट स्टूडेंट्स,
तो इस तरह से ग्यारह ये भी होगा। आप काउंट करना, मुझे ऐसे भी याद रहता है ग्यारह बोल दिया मैंने, ठीक है एक आध छूट दे तो मुझे कमेंट कर देना, फिर से मैं सुधार कर लूंगा अपने आप। लेकिन आपको अब देखो नेगेटिव के बाद क्या बनाओगे, इंट्रोगेटिव। आप देखो छियासठ, एक स्टूडेंट से मैं छियासठ सेंटेंसेस बनाता हूँ, अभी तक गारंटी ले लो, गारंटी के साथ कहता हूँ पूरे यूट्यूब पे इस तरह से अभी नहीं सीखे होगे, ठीक है ये कंसेप्ट खुद का अभी अपना सा खुद का ट्राई किया हुआ कंसेप्ट, ठीक है अब जाकर पूरे यूट्यूब खोंगो लेना, इस छियासठ एक वर्ड का छियासठ सेंटेंस मिल जाए तो फिर कमेंट कर देना पहली बार। हाँ अगर मेरा कंसेप्ट किसी ने स्टूडेंट ने स्टूडेंट होगा मेरे जो वो बताया वो अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े टीचर नहीं बताए कंसेप्ट खुद का है समझो। इंटरग्रेटिव क्या होता है, इंटरग्रेटिव समझो ये तरीका अपना है, बाकी सब तरीके सब कुछ है ही सब कुछ जगह है पढ़ने, लेकिन तरीका जो बताने को अपना है ये इंटरग्रेटिव में कैसे बोलोगे छियासठ, जैसे इज ही ए स्टूडेंट, इज सी ए स्टूडेंट, ओके आर वी स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स, ओके इज रा स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें इंटरग्रेटिव में याद रखना जब भी बोलोगे क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, कि आपको याद करके रखना क्वेश्चन मार्क्स रहेगा ही रहेगा, समझ लो ना क्वेश्चन मार्क्स रहना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। समझो कैसे मैं आगे फिर कर देता हूँ शुरू से, इज ही स्टूडेंट, ए सी स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट, ओके वी आर वी स्टूडेंट्स, ओके आर यू स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स, ओके इज राम स्टूडेंट, सात तो ये हो गए, अब इधर है तो चार वाला में इज। अब देखो चार तुम कैसे याद करो, देखो कौन कौन बच जा रहे हैं चार में, यार तुम लोग कन्फ्यूज मत हो, ठीक है ऐसा ऐसा तरीका सिखाऊंगा ना फिर कहोगे सर मजा आ गया वाह वाह करोगे, ठीक है बस आप प्यार दुलार बनाए रखो, ये चार ये भी ठीक है। चार में कह रहे हो तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कौन सा चार की बात, देखो इज दिस स्टूडेंट, इज दैट स्टूडेंट, आर दोज स्टूडेंट, आर दिज, देखो दिज दोज आप जब भी नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ ये तो होगा इंट्रोगेटिव, ग्यारह ये भी होगा, ग्यारह के तेतीस सेंटेंस मैंने बना दिया इसका। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आई एन वाला में, अब इसकी भी मैं ग्यारह बनाता हूँ। देखो मैं कोई किताब वताब नहीं खोला हूँ, पहली बात है मेरे माइंड में चलेंगे, देखो कैसे चलेंगे, कैसे बोलोगे इज ही नॉट ए स्टूडेंट, इज सी नॉट ए स्टूडेंट, एम आई नॉट ए स्टूडेंट, ओके आर वी नॉट ए स्टूडेंट, ओके फिर लिख सकते हो आर यू नॉट ए स्टूडेंट्स, ठीक है कहीं कहीं थोड़ा बहुत ए लग जाए किसी चीज में स्टूडेंट्स ना बोलो, लेकिन याद रखना कि वहाँ पे क्लियर फॉर्म होगा, ठीक है। अब आ जाओ आर दे नॉट ए स्टूडेंट, ओके इज राम नॉट ए स्टूडेंट्स, ओके फिर आ जाओ आई एम वाला कह दिया, अब आ जाओ चार वाला है, चार जो बच गए इधर वाला उस पर आ जाओ, इज दिस नॉट ए स्टूडेंट, इज दैट नॉट ए स्टूडेंट, आर दोज नॉट ए स्टूडेंट्स, एस लगेगा, आर इज नॉट ए स्टूडेंट्स, ये आपके ग्यारह ये भी हो गए इंटरगेटिव नेगेटिव। ये टेक्निक सीख जाओगे ना साथियों, अपने आप से फॉर्मेशन बनाना सीख गए ना, फिर मैं गारंटी दे के कर सकता हूँ कोई आपको बीच नहीं कर सकता। पहली बात ये सारे जो ऑफलाइन के तरीके ना मैं सीख, और ये दस क्लासेस चलेंगे, दस के बाद सॉरी मैं अनेबल कह सकता हूँ, दस के बाद इस तरीके नहीं चलेगी, लेकिन इस चीज़ों का आप कंटिन्यू से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे मैं तो जरूर कह सकता हूँ 30% आपने आप में इम्प्रूवमेंट पा सकते हो, 30-40%, ठीक है बेहतर कर पाओगे बाकी की तुलना में, ठीक है उनसे बेहतर जरूर हो पाओगे, और मतलब मेरे हिसाब से 30% हो, बाकी की तुलना में तो 50% रहो, क्योंकि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं समझ में, फॉर्मेशन के नाम से तो वो बहुत दूर होंगे, जो बच्चे फॉर्मेशन के नज़रिए से दूर होंगे तो वो कैसे भाई राटा राटा सेंटेंस याद कर ले, जैसे कोई पूछता हाउ आर यू, आई एम फाइन, बट उस सेंटेंस अगर हमें क्वेश्चनिंग कर रहा है कैसे करोगे, वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन धार दिए जा रहा है तब कैसे करोगे, नहीं आएगा ना। तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने आना चाहिए, कहीं से देख मैं सेंटेंस तो फ्रेज याद कर लो खतर फ्रेज, तो भाई किसी के सामने रह सकते हो बात कर सकते हो, बट जब बात आती है मुद्दा आती है सर डिबेट करना है, जब बात आती है सर ग्रुप डिस्कशन करना है, देन आप फंस जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको जो भी फॉर्मेशन है ना ये बहुत काम आता है, समझ गए ना। हम लोग कर लिए इंटरगेटिव नेगेटिव, अब आ जाओ डब्ल्यू एच, जो मैं बोला मैंने वो सारी चीज़ें करके दिखा दो, फिर आप कहना छियासठ सेंटेंस हुए कि नहीं, एक वर्ड से छियासठ सेंटेंस मुझे कमेंट करके बताना क्या इसके पहले कभी सीखे हो या नहीं। आ जाओ डब्ल्यू एच वाला में कैसे करोगे, कैसे करोगे मैं सिर्फ वर्ड के ले रहा हूँ, डब्ल्यू एच में मैं एक वर्ड ही लूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड वर्ड, और पता है ना आपको डब्ल्यू एच वर्ड में कितने सारे वर्ड है, वर्ड है वाई है हाउ है, हाँ बहुत सारे वर्ड लगा करके पूछो ना, हु है हुम है वो सब आप लगा, लेकिन मैं एक चीज़ सिखा, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ बाकी सब आपको काम करना, ठीक है मैं सिर्फ आपको तलवार दे रहा हूँ चलाने सिखा दे रहा हूँ, बाकी आप फील्ड में आप काम करना, ठीक है।
तो व्हाट वाला आ जाओ, कैसे बोलोगे व्हाट वाला? व्हाट इज ही ए स्टूडेंट, व्हाट इज ही ए स्टूडेंट, व्हाट आर वी स्टूडेंट्स, ओके, व्हाट आर यू स्टूडेंट, सब में क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि पता ना इंटरोगेटिव या डब्ल्यूएचएल में क्वेश्चन मार्क्स आता है जब भी प्रश्न की बात आ जाए, ठीक है। व्हाट आर द स्टूडेंट्स, व्हाट इज राम ए स्टूडेंट्स, व्हाट एम आई स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट एस नहीं लगेगा, फिर आ जाओ व्हाट इज दिस स्टूडेंट, दिस ए स्टूडेंट, व्हाट इज दैट ए स्टूडेंट, व्हाट आर दिस स्टूडेंट्स, व्हाट आर दोज स्टूडेंट्स, ये थे आपके डब्ल्यू एच वाले, तो ये भी ग्यारह हो गए, यानी कि ग्यारह पच्चीस पचपन, एक दो तीन चार पाँच, अब ग्यारह और पच्चीस कैसे हो जाएंगे, डब्ल्यू एच प्लस एन, यानी कि डब्ल्यू एच एन वाला, यानी कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। अब इसमें भी ग्यारह देख लो, कैसे देखोगे समझो, कैसे बता देंगे, व्हाट इज ही नॉट ए स्टूडेंट, अब चाहो तो इसे पॉकेट में थोड़ा चांद लाने के लिए ऐसे बोल सकते हो, व्हाट इजंट ही ए स्टूडेंट, इजंट, देखो भाई किसी को पता नहीं होगा भाई, देखो इज प्लस नॉट को ही बोलते हैं साथियों, इजंट ही तो इसी को तो बोलते हैं, अब पता साथ तुम लोग देखो, अब एक चीज और समझो, इज नॉट को ही तो बोलते हैं इजंट, समझ गया ना, चलो तो स्पोकन में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब मैंने बना दिया आपको, क्या बना दिया पहला वाला, व्हाट इजंट ही अ स्टूडेंट, अब देखो व्हाट इजंट, व्हाट व्हाट क्या लिख सकते हो, ठीक है सर, आर व्हाट आर, व्हाट आर वी नॉट ए स्टूडेंट, अब चाहो तो इसे भी एंड कर सकते हो, यहाँ पे इजंट की जगह पे एक एंड आता है, लेकिन वो छोड़ो इसी को, तो व्हाट हो जाएगा, आर हो जाएगा, व्हाट आर वी स्टूडेंट, व्हाट आर यू नॉट स्टूडेंट्स, व्हाट आर दे नॉट स्टूडेंट्स, व्हाट इज राम नॉट स्टूडेंट्स, व्हाट एम आई नॉट ए स्टूडेंट्स, ओके, अभी जब चार नंबर आ जाओ, व्हाट क्या लिखोगे, व्हाट इज दिस नॉट ए स्टूडेंट, व्हाट इज दैट नॉट ए स्टूडेंट, व्हाट आर दोज नॉट स्टूडेंट्स, व्हाट आर दिस नॉट स्टूडेंट, तो आप इस तरीके से करके बताओ 66 हुए कि नहीं, 11 दिनों 22 11 33 24 11 25 26 66 66 सेंटेंस आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया, और आप मेरे से वादा करो आज के बाद आप भी ऐसे फॉर्मेशन को, ऐसे जो फॉर्मेशन बताया ना, जो तरीका बताया ना, आप भी घर बैठ के, एक वर्ड बताया था ना मैंने, एक ही वर्ड यही ना स्टूडेंट लिया था, सिर्फ एक वर्ड स्टूडेंट, आप बताओ आपके बुक में हजारों नाउन, अब बताओ हजार से मल्टीप्लाई कर दो 66 कितने हो जाएंगे, कोई रोक सकता है कोई इंग्लिश बोलने, बस चाहिए गाइडेंस की, सरते चाहिए वो ट्रिक की, वो कॉन्सेप्ट की, मैं लटवाता नहीं हूँ साथियों को, ट्रिक दे रहा हूँ, अभी ऐसे बहुत सारे ट्रिक है मेरे पास, सीख जाओगे मैं कह रहा हूँ ना, बस बिलीव करो और बढ़िया तरीके से पढ़ो, अगर थोड़ा बहुत भी सीखे होगा ना साथ, थोड़ा बहुत लगा होगा तो हाँ मेरी एफर्ट आपके काम लायक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, अदरवाइज कोई सुनेगी, बस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको कोई भी अपडेट है, कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन, मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं रहता यूट्यूब कोई भी वीडियो का, तो लिंक के जरिए आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। बस आज के लिए इतना, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।